कौड़ियों से भी सस्ते जो रिश्ते बिके। थी जो अर्धांगिनी बहुत बेबस खड़ी, उसके बच्चों की थाली में रोटी नहीं। इंटेलेक्चुअलिटी है झूठी बातें सभी, मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। गाना पीयूष भाई की जो कॉम्पोजिशंस होती हैं और उनकी जो गायकी होती है वैसा साउंड कर रहा है, उनके उनके अंदाज से मिलता जुलता है। तो फिर डायरेक्टर ने कहा, सब लोग मेरी तरफ देखने लगे, पीयूष भाई। मैंने कहा नहीं, अगर आपने वो विचारधारा ही छोड़ दी तो दूसरी विचारधारा पे बात करेंगे आप, डेफिनेटली उसके पक्ष में बात करेंगे। थोड़े से पैसे आ जाएं तो हमारे यहाँ गांव खेड़े में लोग कहते हैं भाई टाटा बिरला हो गए क्या, इस तरह से इस्तेमाल हुआ था उसमें, लेकिन उसको लिटरल सेंस में लिया गया। अब अगर आज मैं सैड सॉन्ग बना रहा हूँ तो मेरा दिल अभी अभी नहीं टूटा है या अगर मैं रोमांटिक गाने बना रहा हूँ तो अभी मतलब रोमांस करके नहीं आ रहा हूँ। सिनेमा के साथ विवाद लगातार चलते रहते हैं और कुछ सिनेमा ऐसे होते हैं जो अपने नाम से ही बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। एक फिल्म आ रही है JNU, जी हाँ, जो विश्वविद्यालय अक्सर कई कई वजहों को लेकर के विवादों में रहता है। आप कह सकते हैं फिल्म तो उसी पर है, हालांकि उसका नाम जो है वो बदल दिया गया है एक सिनेमैटिक और कल्पनाशील अप्रोच देने के लिए, लेकिन इस फिल्म ने फिर विवाद पकड़ लिया है। एक गाना है कंपोजर विजय वर्मा साहब का इस फिल्म में, मैं नहीं मानता। जी हाँ, ये वही गाना है हबीब साहब का, मैं नहीं मानता, जिसकी जो हुक लाइंस हैं उसे लेकर के बाकी जो पूरा गाना है वो नया है, लेकिन ये विवाद मचा रहा है। विवाद इसलिए है क्योंकि पीयूष मिश्रा ने इसे गाया है और जैसा कि लोग जानते हैं या फिर नहीं भी जानते होंगे कि अपने एक वक्त में घनघोर लेफ्टिस्ट रह चुके हैं पीयूष मिश्रा। हालांकि उसके बाद उन्होंने कई बार ये कहा कि उन्होंने वक्त की बर्बादी की या फिर उनका यूज़ किया गया, कई गलत आदतें उनको लगवा दी गई, लेकिन अब उनका ये गाना एक नई बहस को छेड़ रहा है। विजय वर्मा से सवाल किए जा रहे हैं इस गाने को रिक्रिएट करने के लिए। हालांकि विवाद नए नहीं है, आपका पहली बात तो स्वागत है आपका आज तक डिजिटल में विजय जी, लेकिन लगता है मतलब विवाद आप लेफ्ट और राइट दोनों पॉकेट्स में लेकर के चलते हैं क्योंकि चक्रव्यूह का गाना जो अपेरेंटली आपने शायद लेफ्ट माइंडसेट को सेटिएट करने के लिए बनाया था, उस पर भी सवाल होने लगे थे। हाँ। और ये गाना जो लग रहा है लोगों को कि भाई ये पूरी तरह से राइट विंग को खुश करने के लिए बनाया है। हाँ। और गवाया है जो वन टाइम घनघोर लेफ्टिस्ट था, तो वहाँ भी सवाल होने लगे हैं। तो क्या हुआ, क्या है चैप्टर, कैसे शुरू हुआ इस गाने को लेकर? मेरा टेक इस बात पे ये है कि हम लोग तो हमारा काम है गाना बनाना, गाना बनाने का काम करते हैं, गाना ही बनाने में आनंद लेते हैं, जीवन ही यही है। तो अब अगर आज मैं सैड सॉन्ग बना रहा हूँ तो मेरा दिल अभी अभी नहीं टूटा है या अगर मैं रोमांटिक गाने बना रहा हूँ तो अभी मतलब रोमांस करके नहीं आ रहा हूँ। सो ये हमारा काम है। और जैसे आपने खुद ही कहा कि चक्रव्यूह में जो जो जिस कैरेक्टर के लिए गाना था वो प्रकाश झा साहब की फिल्म में अभय देओल के ऊपर था, वो कैरेक्टर लेफ्टिस्ट था। तो लेफ्टिस्ट के लिए जब वो एक गाना बनाना था, वो गाना लेफ्टिस्ट को सपोर्ट करने वाला हो गया। अब उसका हिस्सा हम भी थे डेफिनेटली, उसमें तुराज ने लिखा था, उसमें टाटा बिरला अंबानी बाटा सारे बिजनेस हाउसेज के बारे में कुछ बात कही गई थी, जो एक मेटाफर की तरह यूज हुआ था कि लोग कहते हैं हमारे यहाँ अमीर कोई वो हो जाए ना, थोड़े से पैसे आ जाए तो हमारे यहाँ गाँव खेड़े में लोग कहते हैं भाई टाटा बिरला हो गए क्या, इस तरह से इस्तेमाल हुआ था उसमें, लेकिन उसको लिटरल सेंस में लिया गया। कानूनी कार्रवाई तक हमारे को सुप्रीम कोर्ट से बेल लेना पड़ा, हाई कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट हुए और चार अलग अलग जगहों पे थोड़ी परेशानी हुई थी। दोबारा फिर ये अब इस ये जो फिल्म है जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, ये किसी एक रियल लाइफ यूनिवर्सिटी से प्रेरित है और उसमें पीयूष भाई का जो कैरेक्टर है, पीयूष भाई एक्टिंग भी कर रहे हैं इस फिल्म में, वो कैरेक्टर भी कुछ ऐसा है जो पहले एक खास विचारधारा से प्रभावित था, अब एक खास विचारधारा को मानता है या पुराने वाली विचारधारा से, पुराने वाली मानसिकता से निकल चुका है। तो वहाँ एक गाना गाने का विचार था कि गाना रखना है, तो ये दानिश का आइडिया था कि इन दो लाइनों को रखते हैं जो बहुत फेमस है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, और आगे की अपनी बात, अपनी जो बात कहनी है इस कैरेक्टर के लिए वो कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से ये गाना सामने आया। तो ये लिरिक्स
डेफिनेटली आप कह सकते हैं रिक्रिएटेड है, म्यूजिक पूरा नया है, इट्स अ न्यू कॉम्पोजिशन कम्प्लीटली, क्योंकि वो तो कविताओं की तरह कहा जाता था, नारेबाजी की तरह, कुछ लोगों ने गाया भी अच्छा है। लेकिन ये भी है, पीयूष मिश्रा खुद ये जानते होंगे कि जब वो इस गाने को गाने वाले हैं तो इस पर सवाल होंगे, तो कैसे कन्विंस कैसे कि आपने वो पूरा मतलब मैं बताऊं, जब ये गाना जब ये गाना बना हाँ। अब लिरिक्स आई सामने, मैं जनरली लिरिक्स कंपोज करता हूँ, मतलब पहले लिखा हुआ होना चाहिए, मैं जनरली वैसे ही करता हूँ। तो गाना बना और मेरा अपना तरीका जो है वो फर्स्ट ड्राफ्ट इज माई फाइनल ड्राफ्ट, तो मैंने जो पहली बार जो ट्यून दिमाग में आई, जनरली 99.99% केसेज में वही फाइनल रहा है। ऐसा बहुत कम हुआ कि एक उस गाने की दूसरी ट्यून बनानी पड़ी, तो ऐसे ही इस गाने के साथ भी हुआ, लिरिक्स सामने आया, कंपोज किया मैंने और इट्स लाइक गाना हो गया, पूरा एक फ्लो में आ गया गाना। और सुन के लगा कि यार ये गाना पीयूष भाई की जो कॉम्पोजिशंस होती हैं और उनकी जो गायकी होती है वैसा उनके अंदाज से हाँ। मिलता जुलता है। तो फिर डायरेक्टर ने कहा, सब लोग मेरी तरफ देखने लगे, पीयूष भाई, मैंने कहा नहीं मैं तो जानता भी नहीं हूँ और वो बिल्कुल नहीं गाएंगे, वो दूसरों के लिए गाते नहीं है। डिफिकल्टी ये है कि वो खुद लिखते हैं, कंपोज करते हैं, अपने ही गाने गाते हैं, गुलाल वगैरह में सब में उन्होंने, और आजकल तो ऐसे भी बहुत सारा पूरी दुनिया में शो कर रहे हैं वो, बल्ली माराना और वो सब। तो लेकिन मेरे मन में कहीं एक बात रह गई थी कि एक कोशिश तो करूं, मना तो मैंने कर दिया है, जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी लाने की। लेकिन मैंने फिर, मेरे एक मित्र हैं राहुल मित्रा जी जो बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनको मैंने बात किया भी कुछ, उनसे मैंने सुन रखा था कि वो उनको, उनसे दोस्ती है, उनको जानते हैं, सो वो उनको मैंने उनका गाना भेज दो, गाना भेजा मैंने, वो उन्होंने पीयूष भाई को सुनाया और पीयूष भाई ने पूरा गाना सुन के डिसाइड किया कि भाई हाँ ये ट्यून मुझे अच्छी लग रही है, ओवरऑल गाना अच्छा लग रहा है और मैं गाना चाहता हूँ। फिर डेट रखा गया, डेट पे आए स्टूडियो पे, तब भी पीयूष भाई का वो एक अप्रोच ऐसा ही था कि यार मुझे क्यों बुला लिया मेरी तो, मैं तो सिंगर भी नहीं हूँ, मेरी तो आवाज़ ऐसी है, आवाज़ थकी हुई यार, ऐसा वैसा। तब तक भी हम लोगों को लग रहा था कि ये गाएंगे ना। खैर ऐसे ही होते होते माइक तक पहुँचे, माइक पे एक हमारा 7-8-10 मिनट का एक रिहर्सल ऑन सेट होता है, वो हुआ, फिर उन्होंने गाना 15 मिनट में गा दिया और फिर आपके सामने है गाना। तो ऐसा रिएक्शंस कैसे आने शुरू हुए अब, क्योंकि अच्छा हम देख रहे हैं कि नहीं, उनका गाना तो खैर अच्छा हाँ। ही होता है, आपकी कॉम्पोजिशन अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं जो एक बहस छिड़ गई है सोशल मीडिया पर इस गाने को ओन करने को लेकर के, या फिर कई ऐसे हैं जो पीयूष मिश्रा की आइडियोलॉजी को खुद ब खुद ओन कर रहे हैं स्वयंभू ठेकेदार बनकर हाँ। मतलब उनको लगता है कि इफ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पीयूष मिश्रा लेफ्टिस्ट थे तो अभी भी उनको लेफ्टिस्ट ही होना चाहिए, या एटलीस्ट एंटी लेफ्टिस्ट गाना तो नहीं गाना चाहिए। अब कोई आदमी, ये वही बात है, एक आदमी किसी एक खास विचारधारा को मानता था, लेफ्ट राइट जिसको भी मानते हो आप, अगर आपने वो विचारधारा ही छोड़ दी तो दूसरी विचारधारा पे बात करेंगे आप, डेफिनेटली उसके पक्ष में बात करेंगे, तो थोड़ा घर वालों को तकलीफ होती होगी, घर से कोई निकल के दूसरे घर चला जाए तो तकलीफ होती होगी डेफिनेटली। ये उसी तरह की पब्लिक की इनोसेंस के से निकला हुआ रिएक्शन है जो काफ़ी चर्चे में है, लोग इस तरफ के भी और उस तरफ के, दोनों तरफ के लोग आप कुछ लिरिक्स सुना दीजिए ताकि ये पता चले कि वो जो हबीब साहब की हुक लाइंस है उसको आगे कहाँ ले जाया गया है। तो इसकी कुछ लाइनें इस गाने की आप लोगों के लिए मैं डेफिनेटली गुनगुनाना चाहता हूँ। बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू दिखे, कौड़ियों से भी सस्ते जो रिश्ते बिके, थी जो अर्धांगिनी बहुत बेबस खड़ी, उसके बच्चों की थाली में रोटी नहीं, इंटेलेक्चुअलिटी है झूठी बातें सभी, मैं नहीं मानता। ये इसका मुखड़ा है इस गाने का जिसपे बात हो रही है, जिसे कई मुखड़े नाराज हो गए बट नाराज की सी ये तो अच्छा माहौल है, इट शुड बी एक्सेप्टेड एज वे ऑफ म्यूजिक। आई मीन आप हर तरह के गाने सुनते ही हैं, आप हर तरह का संगीत सुनते हैं, हर तरह का लिरिक्स आप सुनते हैं,
तो ऐसे में आपको लगता है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि इसकी माइलेज इधर सत्ताधारी पक्ष को ना मिल जाए? मुझे लगता है मिलनी भी चाहिए। जो मेजोरिटेरियन विचारधारा जो है उसको प्रश्रय मिले और बातें होनी चाहिए। अगर कोई बात अच्छी है तो अच्छी हो, उस पर अच्छी बातें हो, कोई बात ऐसी है जिसमें बात होनी चाहिए कि उसकी समीक्षा होनी चाहिए तो होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से बीजेपी वालों को ये गाना पसंद आएगा और तो आपने बैठे बिठाए उनको एक एंथम दे दिया है। नहीं, एक्चुअली एंथम तो बाकी है इस फिल्म का जो बीजेपी के लिए है। इस फिल्म में एक दूसरा गाना है जिसका नाम है सन्नाटा। अच्छा। जो सोनू निगम जी ने गाए हैं और उसमें दो नए सिंगर्स भी हैं, सुप्रिया पाठक और लक्ष्य हैं। बेसिकली इट्स सोनू निगम डोमिनेटिंग सॉन्ग। वो गाना सेलिब्रेशन सॉन्ग है और वो सिर्फ ऐसा सेलिब्रेशन सॉन्ग नहीं है जो कोई भी जीतेगा तो बजेगा, बीजेपी जीतेगी तो बजेगा। ऐसा क्या है जरा कुछ लाइन फिर तो आप बता ही दीजिए। फिर तो कुछ लाइंस आपको सुनानी पड़ेंगी। हाँ, तो ये जो जीत की सेलिब्रेशन वाला जो गाना है ये आप खुद अग्री करेंगे। अब इसमें मैं बीजेपी के लिए गाना नहीं बनाया, मैंने फिल्म के लिए गाना बनाया, बट ये है, बन गया है। धारा के विपरीत चले अपनी ही नाव डुबा बैठे, आग लगाने वाले ही अपनी तशरीफ जला बैठे, झूठ की पतलू ने उतरी है सच की पगड़ी जीती है, आज हवाएं भगवा हैं हम ऐसी धाक जमा बैठे, जीतने की हमें दो बधाई इतना सन्नाटा क्यों है भाई, मुंह करो मीठा खाओ मिठाई इतना सन्नाटा क्यों है भाई। आपका ये गाना सुनकर के कहीं वक्त से पहले सन्नाटा ना हो जाए, मतलब ये आपने तो एक बनाया विजेताओं का जो एंथम है वो आपने दे दिया। देखिए, यूनिवर्स का इक्वेशन यही है, जीतने के क्या सेलिब्रेशन जीत के पहले करना होता है, फिर जीत आ जाती है। कमाल, बहुत बढ़िया। तो क्या उम्मीद आप रखते हैं फिल्म से? और क्योंकि इस एक तो वक्त भी ऐसा है जिसमें वो आ रही है और इन तमाम चीज़ों के चलते काफ़ी विवादित भी है, चर्चित भी है जी। तो क्या लगता है आप JNU क्या लेकर के आ रही है? JNU एक अच्छी इंटरटेनिंग फिल्म लेके आ रही है और ये बहुत कोई ऐसी सीरियस फिल्म की तरह से उम्मीद करके कोई ना जाए, कंप्लीट इंटरटेनिंग यूथ की फिल्म है। एक यूनिवर्सिटी रियल लाइफ इंसिडेंट से प्रेरित कहानी है। इसका एक तीसरा गाना जो है शंखनाद, जो कैलाश खेर जी ने गाया, वो भी एक्चुअली वो समसामयिक है। लड़ाई शुरू होने के पहले हौसला बढ़ाने के लिए वो गाना है, जीत ले मुकाबला शंखनाद, वो भी बहुत अच्छा गाना है। तो ये अभी मतलब सारी पार्टियां गा सकती हैं। हाँ, ये अभी सारी पार्टियां गा सकती हैं। अब चूंकि शंखनाद वर्ड है तो कोई फिर कुछ लोग ना गाएं किसी वजह से वो अलग बात है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि शब्द और भाषा जो है वो तो किसी विचारधारा से प्रेरित नहीं होते, विचार प्रेरित हो सकते हैं किसी विचारधारा से। तो बट मुझे इस फिल्म से ऐसा लगता है लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए। 26 को रिलीज हो रही है, अभी शायद सेंसर का कुछ चल रहा है इस फिल्म में, एक बार वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। 26 का डेट है रिलीज का, 26 अप्रैल का। चलिए, उम्मीद है फिल्म भी पसंद आएगी और गाने तो आपने जो हैं हमें मुखड़े सुनाई दिए हैं जो, तो उससे पूरे गाना तो आप सुनिएगा जाकर के और फिल्म ज़रूर देखिएगा 26 तारीख को JNU। ये थे विजय वर्मा, जिनका जो म्यूज़िक है बेहतरीन इस फिल्म में और जिस एक गाने पर ज़बरदस्त विवाद है उसे लेकर आपकी क्या सोच है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।